नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अध्यय राम अभिराम दास वार्ड के प्रत्याशियों में जिस तरह से चुनावी जंग हो रही है वह इस बार एक ऐतिहासिक चुनाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के रूप में रामजस मांझी चुनावी मैदान में है, वहीं पूर्व भाजपा पार्षद बीरचंद मांझी, नागेंद्र मांझी समेत 6 मांझी अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से गणेश दत्त पांडे अपने लोकप्रिय और मृदुल व्यवहार के कारण अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं, किंतु इन सबको चुनौती देते हुए अध्यय के प्रमुख समाज सेवी इरफान भाई और नन्हे भाई के साहबजादे सुल्तान अंसारी सारे प्रत्याशियों को चुनौती देते हुए पूरे वार्ड में ताल ठोक कर चुनावी मैदान में डटे पड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि इस बार चुनावी जंग गणेश पांडे और सुल्तान अंसारी के बीच होगा। अध्यय से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह। दिखाना चाहता हूँ कि राजघाट के पास खड़ा हूँ, राजघाट पार्क ही है और ये मछवाना कह सकते हैं या जो है यहाँ के तमाम लोग इस तरह से राजघाट पास खड़ा जा रहा हूँ। इस तरह से यहाँ के लोग आज एक चुनावी माहौल में सारे आप जो सारी दीवारें फटी पड़ी हैं, राजस हैं, सुल्तान अंसारी जी हैं, दत्त राजेश गणेश दत्त पांडे जी, तमाम लोग चुनाव में इस समय मैदान में है। और मैं ध्यान चाहता हूँ कि किस तरह से जो आज यहाँ पे चुनावी समर चल रही है वो सुल्तान अंसारी चल रहा है। सुल्तान अंसारी एक चूंकि समाज सेवी टाइप के व्यक्ति हैं, लोगों की सुख दुख होते हैं और आज यहाँ पे तमाम मैं देख रहा हूँ कि जो है काफ़ी लोग हैं और हर तरह से लोगों की पोस्टिंग छिपी हुई है। हमारे बीच माता जी बैठी हुई हैं, मैं इसे जान मतलब चुनाव हो रहा है तो क्या स्थिति है इस बार चुनाव में, क्या देखो जगह अपन अपन इच्छा जगह कहे मने जैसे नन्हे कलर का सुल्तान अंसारी है, गणेश पांडे समाजवादी पार्टी से है, जी 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 बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राम कला जी हैं, यहीं पर बगल में उनका मकान है। भाई जी आप आएंगे, आप ही मुर्गे की मेन की सिलाई चार्ट कर रही हैं और इसी से कि यहाँ जो है चुनावी समर जो है किसके पक्ष जाएगा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो जो साथ में खड़ा होगा सुखदू में खड़ा होगा उसी साथ होता है आदमी, उसी को चुनता है जो आदमी की सुख दुख में उसकी समस्या समाधान करते हैं। तो ये है यहाँ पे लोगों के मन में एक भावनाएं हैं और हर आदमी जान रहा है कि कौन कहाँ पे किस तरह से सहयोग करता है। और अभी हमारे रामदास वाला जो है गणेश पांडे जी यहाँ पे चुनाव मैदान में है और जिस तरह से क्या है सुल्तान अंसारी जी है और दूसरा हमको हमारे पास मैम खड़ी है। क्या नाम मैम आपका? राधा। तो यहाँ पे आप अभी मकान में बहुत बड़े अरसे रह रहे हैं, यहाँ पे 25 साल का रह रहे हैं। इस बार नगर निगम चुनाव हो रहा है और यहाँ के एक अच्छे समाज सेवी हैं, यहाँ के नन्हे भाई हैं, उनके जो है साहबजादे पर सुल्तान अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि सुख दुख में खड़े होते हैं, सारे लोगों का मदद किया है। और हमारे गणेश पांडे जी भी हैं यहाँ पे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और तमाम बीरचंद मांझी जी भी हैं। क्या स्थिति होगी, कौन ध्यान निकाल सकता है? अपना अपना नसीब है, जो सुख दुख में खड़ा होता है वो उसी को आप करेंगे, वो ये तो हो सकता है जो साथ देगा। अभी तक किसने साथ दिया आपका? निर्दल जो खड़ा है साथ दिया है, ये क्या बात बताया अभी? क्या नाम बताया मैम आपने? राधा जी ने एक चीज कहा कि बहुत लोग खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं और सही है कि बहुत लोग खड़े हुए हैं और सबको मतदान पाएगा, कौन टिकट पाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ का फिजा और जिस तरह से ये यहाँ पे लोगों की जो है बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं चुनाव में और लोगों ने ये सोच बना ली है, कल सब वो कर लिया कि हम किसको मतदान करेंगे, किसको करेंगे, कौन प्रत्याशी होगा। तो आज यहाँ पे हमारे बीच देखिए मांझी समाज यहाँ पे है और इनका देखिए प्रधानमंत्री आवास भी इनको मिल चुका है। क्या नाम भाई? वाह वाह भाई वाह, पुन्नूलाल जी आप ही हैं। तो इस बार चुनाव नगर निगम चुनाव हो रहा है, पार्षदी चुनाव है यहाँ पे, तो बहुत से लोग खड़े हैं जैसे नन्हे के लड़के हैं, उनके लड़के सुल्तान अंसारी हैं, गणेश पांडे हैं, तो रामजस मांझी हैं, तमाम लोग चुनाव में हैं। तो क्या स्थिति होगी इस बार चुनाव मैदान, किसका किसके पक्ष में वोट जाएगा? अब क्या बताया सके, सब साथी हैं, सब मिलने जुलने वाले हैं, लेकिन यह है कि जो साथ में खड़ा होता होगा, जो आपके सुख दुख में खड़ा हुआ होगा, जैसे कोरोना काल में बहुत लोगों ने सहयोग किया, आपके साथ किया होगा, जब आप आदमी भूखों मरने नौबत आई तो
उन लोग सहयोग किए। पांडे जी तो ठीक है, मैं समझ पांडे ठीक है। देखो भैया जे साथ जे जीत जाए वही माना जाता है। मुका तो वो तो भाई केहू जीव का केहू अंतर जाना तो हाँ। के क्या कर दे तो आपके साथ जो आपके सुख दुख में खड़ा होगा वैसे रिपोर्ट करेंगी कि हम थोड़े हमको भी करेंगी नहीं करेंगे हमको ना। हम आपको आपको आप पहली बार हमारे मिले हैं और हम कहें चुनाव लड़ रहे हैं आपको वोट देंगी नहीं देंगी आप वो जानती नहीं किसे दी। हाँ जैसे आपके साथ सुख दुख में कोई खड़ा हुआ हो जैसे अभी कोरोना काल में लोगों ने खूब राशन बांटा पैसा भी बांटा सहयोग किया आर्थिक मदद किया तो उसमें तो होता है ना कि हाँ उन्होंने मेरे साथ सुख दुख खड़े हुए थे। कौन खड़ा था कोरोना काल में आपके साथ? कोरोना काल में आपके साथ कौन खड़ा था? किसने मदद किया आपको? हमारा मदद गणेश बहुत किया है। इसी बात गणेश बहुत किया है तो देखिए ये है गणेश पांडे जी है, लोगों ने इनकी मदद की है। लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि तमाम लोग है सुल्तान अंसारी नाम दे रहे थे लेकिन एक नाम अभी गणेश पांडे ही नाम भी लिया गया। ये अच्छी बात है कि गणेश पांडे एक समाज सेवी व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है और उनका जो है यहाँ पे सहयोग होता है। देखिए हमारे बीच में बहन जी कहीं जा रही थी तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि लग रहा खाना लेके जा रही थी आप खेत पे। हाँ, तो चुनाव आ रहा है इसमें नगर निगम का तो इस बार कौन आएगा यहाँ पे? जैसे सुल्तान अंसारी चुनाव में गणेश पांडे हैं, विजय माझी हैं, ये तीन चार लोग खड़े हैं तो किसको आप मतदान करेंगे इस बार? कौन जीते किसे एक चुना जाएगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि जो आपके साथ सुख दुख पे खड़ा हुआ होगा उसी के साथ करेंगे या जो चुनाव मैदान में आया है नए नए उसको करेंगे? कोरोना काल में कौन खड़ा था आपके साथ? कोई नहीं आया आपको राशन देने कोई आपके सहयोग नहीं किया? अच्छा लेकिन जो आप जो देखेंगे जो समाज से टाइप का व्यक्ति होगा उसी वोट करेंगे आप? ये नहीं करना जो समाज से आपके सुख में खड़ा हो आपकी आपकी मदद करे आपके कहीं समस्या जो उसका निदान करे और प्रसाद प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो ये दो चीज़ होनी चाहिए कि आपके कुछ चीज़ समस्याएँ हों उसका वो है निदान कर सके। ठीक है धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या नाम बताया मैम आपने? नीता निषाद। देखिए कितनी अच्छी बात हो गया कि जो सुख दुख में खड़ा हो वही चुनाव मैदान में उसी को जिताया जाएगा और जो हमारे ऐसे पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति हो कि जो हमारी समस्याओं का निदान कर सके जैसे बहुत समस्याएं आती हैं और उसका निदान करा सके ऐसे ही लोगों को चुनाव मैदान में जिताना चाहिए और वही जीतेगा भी। 11 एक चुनाव हो रहा है तो इतने लोग तो बड़ा पोस्टर आपके यहाँ पास लग गया है। रामदास माझी का भी है, पार्थ पांडे का है और क्या नाम का सुल्तान अंसारी भी हैं तो इस बार किसको चुनाव करेंगी जो आप सुख दुख में खड़ा हो जो पढ़ा लिखा योग हो ऐसे लोग चुनेंगी ना? हाँ तो बहुत लोग खड़े हैं। हाँ, बहुत लोग खड़े हैं तो जो पढ़ा लिखा होगा आपके सुख दुख में खड़ा हो जैसे कोरोना काल में खड़े। क्या नाम है आपका? अनिता माझी जी। तो इस बार क्या स्थिति है, क्या कौन से मैदान में निर्दल जीतेगा या पार्टी जीतेगा? जैसा आप हाँ बिल्कुल जैसे कोरोना आया लोग भूखों मरने में बता गए क्योंकि मैंने लोगों का काम बंद था उसमें लोगों भूखों मरने में बता गई तो कुछ लोग आए मदद किया गेहूँ दिया होगा राशन दिया पैसा दिया आपकी मदद किया होगा जो आपके साथ साथ में खड़ा हो आपके हर समस्याओं के साथ तो वही चुनाव में। तो अनिता माझी जी कह रहे हैं कि जो हमारे सुख दुख में खड़ा होगा हम उसी को जो है मतदान करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हर आदमी एक दूसरे की जो है साथ में खड़ा होता है। देखिए हमारे भाई खड़ा है युवा व्यक्ति है। देखिए क्या नाम है आपका जी? सनी भाई। वाह सनी दत्ता बड़ी भाई ऊँची हस्ती होती है उनसे सभी पूछते हैं उनसे सभी डरते हैं तो आप कहें तो बड़ा नाम आम आ गया लोगों का। क्या स्थिति है इधर चुनाव मैदान बड़े सुल्तान अंसारी चुनाव मैदान में है? जानते सुल्तान अंसारी को? नन्हे जानते हैं? नन्हे लड़के हैं और गणेश पांडे भी हैं, रामदास माझी भी हैं, रामदास माझी मामा है तो ये है तीनों में। तो चूंकि रामदास माझी का इस बार बोलबाला होगा चूंकि मामा भी आपके हैं तो उनको उन्हें करेंगे कि गणेश जी करेंगे? इसको बनकर नहीं करेंगे। अब घर का मामला तो उन्हें किया जाएगा चूंकि रामदास माझी है घर के हैं तो उन्हें किया जाएगा। लेकिन यहाँ से विजय माझी भी लड़ रहा है चुनाव, छह माझी लड़ रहा है चुनाव, छह लोग लड़ रहे हैं। छह देखिए ये हमारे देखे बाल्टी लेके चले हैं वहाँ से मोरा और कोई इनके पास देखिए ऐसे ऐसे चड्डी पहन के फूल खिला ये देखिए साथ दिखाते हैं आप लोग ये है अब नहीं मकान है ना तभी भागे चड्डी पहने तो वो। चलिए क्या नाम है आपका? प्रीति कश्यप। चुनाव समर चल रहा है क्या स्थिति होगी? पाकिस्तान ने लगाया गया पानी लगाया है सुल्तान अंसारी फोन लगा हुआ है तो इस बार क्यों जीतेगा? कमल को। तो देखिए ये है
भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रत्याशी बड़ा मजबूत है और इस वार्ड से, क्योंकि यहाँ 6 लोग चुनाव मैदान में हैं, बीरचंद मांझी है, नागेंद्र मांझी हैं, रामदास मांझी, ऐसे तमाम 6 लोग यहाँ चुनाव मैदान में हैं, सारे मांझी परिवार ही यहाँ पे बसा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की जो है, कुछ लोग तमाम गणेश पांडे के भी समर्थक हैं, सुल्तान अंसारी के भी समर्थक हैं और रामदास मांझी, क्योंकि यहाँ से 6 मांझी चुनाव लड़ रहे हैं इसी वार्ड से, अभिराम दास वार्ड से 6 मांझी चुनाव लड़ रहे हैं और उन 6 मांझी में सबसे सशक्त अगर देखा जाए वीरचंद मांझी हैं और रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी इसलिए सशक्त माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिया। गणेश पांडे समाज सेवी टाइप के हैं, वकील हैं उनका है, लेकिन सबसे अगर सशक्त कोई टीम है यहाँ पे कोई प्रत्याशी है तो मैं वो देखा, मैं हर घर में देखा जाऊँगा तो वहाँ सुल्तान अंसारी नाम आ रहा है, क्योंकि सुल्तान अंसारी एक ऐसे शख्स हैं जो नन्हे भाई जो हर आदमी के सुख दुख में खड़े होते हैं, तमाम लोगों के साथ उनकी मदद करते हैं, कोरोना काल में लोगों को राशन दिया, पैसा भी दिया और अभी भी अगर कोई उनके पास जाता तो उसकी मदद करते हैं। हमारे बीच में एक माता जी खड़ी हुई, बहन जी खड़ी हुई, मैं जानना चाहूँगा कि ये भी क्या नाम है, आइए रूपकला जी, क्या नाम, रूपकला जी, रूपकला मांझी, हाँ रूपकला मांझी। तो आज चुनाव मैदान में चुनाव समर है बहुत तेजी से, ज्यादा को चुनाव होना है और तमाम लोग चुनाव में खड़े हैं, हम तो कमल को देंगे, कमल को देंगे, कमल यहाँ पर आज कमल खिल चुका है इस वार्ड इस जगह पर, क्योंकि मांझी परिवार है और कमल यहाँ खिल चुका है। बीरचंद मांझी को नहीं देंगे, बीरचंद मांझी को नहीं देंगे क्योंकि हमारा काम कोई नहीं, कोई काम नहीं कराया, पाइप बिछवाए थे आवास बनवाने के लिए वो भी उखड़वा दिए, पूरा उखड़वा दिया हमारा पाइप, ये इससे पानी का सुविधा नहीं मिलता, खाली रोटी दौड़ा दिए, पानी के लिए जाते हैं तो पानी का लेके, एक कमाने वाला 10 खाने वाले किसको किसको देंगे, किसको ना देंगे। ये देखिए यहाँ पे बड़ी समस्या आई, बीरचंद मांझी चूंकि सभासद रह चुके हैं, हमारे तरफ कोई पार्षद रह चुके हैं और आज इनकी जो यहाँ पे पोल खुल रही है तमाम, पिछली बार भी मैं आया था, लोगों ने कहीं सड़कें नहीं बनाई, यहाँ की देखिए ये स्थिति है, सड़क यहाँ तो नहीं बना है, नालियाँ नहीं बनी है, सफाई आप दे सकते हैं, गंदगी यहाँ भटा पड़ा हुआ है और जिस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, लोग कैसे यहाँ रहते होंगे, यहाँ किस तरह से यहाँ पर अपने जीवन बसर कर रहे हैं, नाला भर गंदगी भटी पड़ी हुई, इसकी सफाई नहीं हो रही है और जिस तरह के पास जिस तरह से पानी व्यवस्था, क्या आपके पानी आपके यहाँ आता नहीं आता है, हमारे यहाँ पानी नहीं आता, पानी के लिए बोले तो पानी बोलते हैं, एक कमाने वाला 10 खाने वाले कहाँ से दें हम पानी, एक कमाने वाला 10 खाने वाला, हाँ मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पानी टोटी यहाँ सप्लाई नहीं चढ़ता, तो जिम्मेदारी उनकी है हमारी थोड़ी ना, बिल्कुल पार्षद आपने पूछना है, हमारे पार्षद, हमारे पार्षद नहीं ध्यान देंगे तो किसको ध्यान, किसको ध्यान देंगे, जब पार्षद जो है अपने मतदाताओं का अपने वोटरों का ध्यान नहीं देगा, ध्यान किसका देगा, उसको इसी लोग चुना जाता है, हमारे हमारे उस जगह की सड़क नाली पानी ये व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहिए, लाइट की व्यवस्था, यही उसकी जो समस्याएं होती हैं मतदाताओं की, यहाँ के नागरिकों का, और पार्षद इसी चुना जाता है कि हमारी हर समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि वीरचंद मांझी का जिस तरह से विरोध हो रहा है, 6 महीने में पहले भी आया था तो जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार चुनाव मैदान में, निश्चित हम निर्देश क्या होगी वो कर किस करोड़ बैठेगा, ये बहुत बड़ा विषय है और आज यहाँ मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ चुनावी समर चल रहा है, जो एक 3 त्रिकोणी लड़ाई यहाँ पे माना जा रहा है, लेकिन त्रिकोणी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामदास मांझी जी हैं, उनके 5 प्रत्याशी, उनके 5 जो विरोधी हैं जो कि चुनाव मैदान में हैं, इसलिए मांझी परिवार का काफ़ी टिकट कटेगा। व्यवस्था है हमारे गणेश पांडे जी समाजवादी पार्टी के अच्छे व्यक्ति हैं, मिडिल हैं, बहुत सरल हैं, सुलभ हैं, लोगों की सुख दुख समझते हैं, वहाँ भी समाजवादी पार्टी का विरोध है काफ़ी, लेकिन वो भी वोट पाएंगे यहाँ से, लेकिन सबसे बड़ी बात है सुल्तान अंसारी का, चूँकि एक अच्छे समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य व्यक्ति हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं, तो निश्चित है कि उनके साथ निर्दल चुनाव में हैं और निर्दल होने नाते उनके साथ तमाम लोग यहाँ पे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी उनके साथ हैं, कोई भी विभाग ठाकुर है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सभी लोग उनके साथ हैं और उस तरह से आज अगर जो लड़ाई है वो बीरचंद मांझी और गणेश दत्त पांडे